यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में सूजन समेत कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो हाई यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए रोगी को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सही रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए ताकि यूरिक एसिड लेवल को सही रखने में मदद मिले। कुछ जूस पीने से भी इसके बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं अनार के जूस को हर समस्या के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या यूरिक एसिड में अनार का जूस पीना चाहिए या नहीं। दरअसल शरीर में भोजन के पाचन के बाद यूरिक एसिड ब्लड में घुल जाते हैं। शरीर में फिल्टर होकर किडनी के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जब प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी से यूरिक एसिड सही ढंग से फिल्टर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो अनार में मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से सुबह के समय इसका सेवन करने से फायदा मिलता है। दरअसल अनार के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से शरीर में सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। हाई यूरिक एसिड से जोड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट गुणों द्वारा कम किया जा सकता है। वहीं अनार में प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ये हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और उनके लिए सुरक्षित भी है। मतलब कि आप हाई यूरिक एसिड में अनार का सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।